ले लिया ना, चलो ये मेरी दादी है। अरे गुस्सा रहा आप है, रुकी दादाजी है पूर्ण ये भी किया था बाबा सिंहेश्वर माता पार्वती कार्तिक भैरव। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वापस से हमारे नए ब्लॉग में। मेरा नाम है कुणाल अयांश और आप है हमारे यूट्यूब चैनल कुणाल अयांश पे। आज जो है हम लोग जा रहे हैं सिंहेश्वर स्थान। मेरे घर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, ये ज्योतिर्लिंग है एक। सब जी जी खर्चा उर्चा कीजिएगा ना, वो खर्चा कीजिए, हम क्या सब खिलाएंगे, क्या सब खाएंगे वही खिलेंगे। सब ये है मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज और इसे कंस्ट्रक्ट किया है एलएनटी ने, लार्सन एंड टुब्रो ने। ये बाबा की नगरी में सिंहेश्वर स्थान, रस ज़्यादा रहता है यहाँ पे क्योंकि रास्ता छोटा है और मार्केट है, इससे भीड़ ऑलरेडी रहता है, मंदिर को लेकर भी भीड़। ये प्रवेश का रास्ता है, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, मेन लोग जो है पूजा करने के लिए जा रहे हैं। सिंदूर छोने चला है तो अगर ये आ चुके हैं हम बाबा नगरी में, तो फिलहाल प्रवेश कर रहे हैं मंदिर में। तो ये मंदिर का जो है फ्रंट प्लेस है, काफी अधिक मात्रा में जो है यहाँ पर लोग हैं, हजारों लोगों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और वैसे भी आज मंडे है तो मंडे को ज्यादा जो है भीड़ यहाँ रहती है, देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से मंदिर के अंदर जो है तो प्रवेश किया जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हजूर जल लीजिए, ऐसे शुरू में अपना अपना हाथ में जल लीजिए, थोड़ा सा हाथ में जल लीजिए पहले। हिलते रहिए, बस बस तो महादेव को चाहिए, तो चलते रहिए। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है बहुत ज्यादा है। आपको मिलाना था, उससे मिलाने का समय जो है वो आ गया है, तो दिखाते हैं कि कौन है वो व्यक्ति। फिलहाल आपके पास जो है तो दिखा रहे हैं हम कि कौन है व्यक्ति। तो ये है बाबू साहब, थोड़ा सा लाइट में इधर आओ तुम। ये है हमारे बाबू साहब और इसी के लिए इतना ज़्यादा जो है खुशी है। रुद्र नाम रखा गया है इसका, तो इसलिए जो है रुद्र से मिलवाने लेकर आए हैं। ये महादेव का जो है पूरा
मंदिर है और ये हमारा रुद्र है। बाकी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ बहुत अच्छे से तरीके से। ये पूरा मंदिर का जो है प्रांगण है, देख रहे हैं, सिंहेश्वरनाथ मंदिर है। यहाँ वहाँ कुआं है, लोग जो है वहाँ से पानी जल लेते हैं और फिर वहाँ जाकर चढ़ाते हैं। एंट्री उस साइड से है, ये पूरा एरिया है मंदिर का, अलग अलग दिशाओं से जो है वो करते हैं। भीड़ थोड़ी सी कम है नहीं, लेकिन फिर भी है भीड़, ठीक ठाक भीड़ है यहाँ पर ना। पूजा करने के बाद विवाहित जोड़ों को जो है पार्वती मंदिर जाया जाता है। तुम्हे पहन लेने माला के, पहन ले माला, चल पूजा कर ली। यहाँ जो है कुआं है, यहाँ से पानी जो है भरा जाता है, उसके बाद गर्भ के अंदर जो है ले जाकर जल चढ़ाया जाता है। ये पूरा एरिया जो है मंदिर चारों तरफ से, अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से जो है आपको अलग जो है एक रचना जो है, बनावट जो है बहुत ही आपको अच्छा लगेगा अगर आप खाली समय में आते हैं तो। ऐसे नॉर्मली आपको जो है यहाँ पर नहीं ज़्यादा दिखेगा। यहाँ एक और कुआं है, यहाँ से जो पानी आप भर सकते हैं। ये पूरा मंदिर का प्रांगण है। भीड़ भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है पूरे प्लेस में जो है, ठीक ठाक है। लेके चलते हैं आपको जो है विवाहित जोड़ों को सबसे पहले पूजा करने के बाद पार्वती के मंदिर आना पड़ता है। पार्वती का मंदिर है जो कि शंकर जी के पूजा करने के बाद यहाँ पर पूजा किया जाता है। ये मंदिर जो है बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर है, आप आकर यहाँ पर जो है पूजा कर सकते हैं। लेकिन भीड़ भाड़ वाले टाइम में आप ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। अभी भी रस है, शनि के रस नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप नेट पे सर्च करते हैं आपको मिल जाएगा। नेट पे सर्च करेंगे आपको इस टाइप का मंदिर है। बहुत मेरी दादी है पूर्ण ये भी किया था। बाबा सिंहेश्वर, माता पार्वती, कार्तिक, भैरव, राम जानकी, बारहो धाम, पूजन, धनधन, सखा संपत्ति। तो ये हमारे जो है आज के यहाँ के पंडित जी हैं जो इन्होंने पूजा कराई है आज। क्या नाम हुआ अंकल आपका? नागेंद्र ठाकुर। तो कब, कितने वर्षों से आप जो है यहाँ पूजा करवा रहे हैं? हम लोगों को यहाँ सब कुछ बीत चुका है जी। हमारा उम्र 66 वर्ष है, हम लगभग 40 वर्ष से पंडितगिरी करते हैं जी। अच्छा, इस मंदिर के बारे में कुछ बताइएगा। हाँ, राजा दशरथ वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामना जग करावा, यहाँ पर राजा दशरथ जग कराए थे पुत्र कामना का जी। द्वापर का है मंदिर जी। भगवान विष्णु के द्वारा इनका स्थापित है और सिंगी ऋषि के द्वारा इनका पूजा जागृत है। मतलब द्वापर युग से ही मंदिर यहाँ विराजमान जी। हाँ, धन्यवाद अंकल आपका। केना सब लगवे चीरे, कौन सब डिजाइन छे? 10 रुपया लगाओ, सबको लगा एक कर। हाँ, लगा दो, चकाचक दिखना चाहिए। वो चिलमो धरा दो उधर से साइड में, डाल जलाए हो दिया जी। महाकाल का भक्त होइए गए, लगा दे वो। अच्छा लगा रहा है। हाँ, महादेव का पूरा दीवाना बना दिया जाता है
और हमारे रुद्र को भी जो है वो लग रहा है। अब थोड़ा सा मैं भी लगवा लेता हूँ। जी जी पकड़िए उसको, उधर इधर से आइए आप। देखो निजला जलाइए, अब बैठ जाएंगे पी के साइड में। उधर उधर से विदा लेने का समय आ गया है। काफी लोग हैं अभी यहाँ पर। भाई मेरी मधुमक्खी जो है बहुत परेशान कर रहा है यहाँ पर। ये यहाँ नंदी जी को जो है वो सुनाया जा रहा है। सभी लोग अपना अपना जो है सूचना दे रहे हैं नंदी जी। अब रिपोर्ट आने के बाद बताएंगे आपको कि सूचना मेरा पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। क्या और बोलिए, क्या और कुछ बताना है? जो है निकलने की तैयारी है। बाकी जो है आशीर्वाद लेते हैं यहाँ मंदिर से, लोगों से। यहाँ से जोर से बजाते हुए हम लोग जो है निकल रहे हैं। गाड़ी भी बजा रही है। चल चल कितने बजेगी? तो ये जो है यहाँ का स्नानागार है, पोखर है काफी बड़ा, तो यहाँ पर दिख ही रहा होगा। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? सिंहेश्वर में ही घर है। तो भीड़ देख रहे हैं यहाँ, जनरल कम लग रहा है अभी। उतना अभी नहीं यार, उतना भी नहीं रहता है अभी। नहीं सावन में, सावन में रहता है अभी। ये है बाबा का प्रसाद जो देवघर में भी होता है। राम पाले, राम पाले, बाबा के लावा है, बाबा के लावा। शरीर वगैरह भी जो है मिलता है। तो भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं जीजा जी को खर्चा करवाने चौका रेस्टोरेंट। चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या व्यवस्था है। सब अभी हैं हम मधेपुरा के चौका रेस्टोरेंट में। काफ़ी चर्चा सुना है इनका, तो सोचे विजिट किया जाए। ये इनकी सबसे जो है एक स्पॉट देखा मुझे, जहाँ मुझे लगा कवर करना चाहिए। ये पूरा इनका जो है इंटीरियर है इस होटल का, आप देख सकते हैं। यहाँ केबिन वगैरह भी हैं, अगर सेपरेट केबिन आपको चाहिए फैमिली के लिए, लॉन्च के लिए, तो आप केबिन वगैरह जो है देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लोग जो है अभी पूजा पाठ करके आए हैं। और यहाँ वेज जो है, हाँ बाकी ये पूरा जो है इंटीरियर है इनका। ओवरऑल एक छोटा और अच्छा रेस्टोरेंट है आपके इस डिस्ट्रिक्ट में। बाकी डिटेल्स जो हैं आपको यहाँ के जो मैनेजर हैं वो बता देंगे आपको। बाकी जो है आप देख रहे हैं खूबसूरत है काफ़ी ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात कि फैमिली के लिए काफ़ी सेपरेट है। तो अगर आप फैमिली लेके आ रहे हैं या फिर कपल्स में हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं और अपने टाइम को जो है इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और अंदर का जो एक्चुअल में जो पोर्शन दिया हुआ है वो सबसे ज़्यादा जो लुकआउट दे रहा है, वो सबसे बेहतरीन जो लग रहा है वो वाला पोर्शन लग रहा है, आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे। चलिए बात करते हैं कुछ। हेलो सर। हाय। क्या नाम है आपका सर? संदीप, संदीप जैना। संदीप जैना, अच्छा कब से ये जो है रेस्टोरेंट खुला हुआ सर? 2 साल हो गया। 2 साल हो गए, मतलब मैं ही लेट हूँ। फर्स्ट टाइम। हाँ काफ़ी लोगों से सुना है मैंने। हाँ ये फैमिली रेस्टोरेंट है, फूड सेफ है, फैमिली लेके आ सकते हैं, केबिन है, हमारे स्पेशल केबिन है। अच्छा जरा आप होटल का डिटेल बता दीजिएगा कि कैसे यहाँ अप्रोच कर सकते हैं लोग अगर मान लीजिए। जीवनधारा रोड तुलसी वस्त्रालय का पास में होगा। मान लीजिए मधेपुरा से जो बाहर के लोग हैं तो वो डायरेक्ट कैसे अप्रोच करेंगे? बाहर का मतलब जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से जो बाहर सहरसा है, नजदीक जो मतलब बड़ा स्टेशन जो है सहरसा है, उधर से नजदीक मतलब 20 किलोमीटर के आसपास ही होगा। मतलब यहाँ आसपास में अगर लखनऊ स्वीट्स के पास होटल के पास पहुंच जाए तो उससे तुलसी वस्त्रालय के पास से जो है वो बायां लेकर यहाँ पहुंच सकते हैं, जो कि थर्ड फ्लोर पे है। थर्ड फ्लोर पे फुल एसी है। ओके तो सब स्पेशलिटी क्या है आपकी? सब कुछ है इधर, मॉकटेल से लेके मतलब बेवरेज तक, डेजर्ट तक सब मिल जाएगा, स्नैक्स से लेके पूरा डेजर्ट तक, डेजर्ट तक सब स्पेशल मिल जाएगा।
वेज नॉन वेज में स्पेशली सब कुछ जो आपको चाहिए। ओके थैंक यू। तो ठीक है फिर आप लोग जो है यहाँ आइए और इन्जॉय कीजिए अपने इस प्लेस को। थोड़ा बहुत बढ़ावा भी मिलेगा हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को। बाकी खाना कैसा है वो रिव्यू मैं करूँगा अभी जस्ट जैसे ही आएगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है। बाकी आगे आपको दिखाते हैं जो भी है। ये जो है ये शाही पनीर है, ये चिकन है, ये है नान, बाकी देखने में तो अच्छा लग रहा है। खाने के बाद आपको बताता हूँ क्या। सर ये है चिकन, भाई सब अभी जो है आने जा रहे हैं टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। खाना पीना जो है समेट दिया गया है, भाई साहब को पैसा खर्चा हुआ तो अच्छा खासा जो है साफ कर दिए के तो हम लोगों ने अपना खाना कर लिया है फिनिश। और यहाँ पर हमारा मधेपुरा का सफ़र जो है वो लगभग सब कुछ हमने कर लिया है और यहाँ से भी हम लोग निकलने वाले हैं। खाना ओवरऑल बहुत अच्छा था, ठीक ठाक, मतलब इतना नहीं कह सकते ख़राब है, बहुत अच्छा, मतलब अपने इसे लगे कि सबसे बहुत बेटर है। और हमारा ये कोल्ड कॉफ़ी भी आ चुका है, ज़रा इधर थोड़ा सा आगे कीजिएगा। कोल्ड कॉफ़ी है मेरा फेवरेट है जो डेज़र्ट है, मैंने मंगाया कोल्ड कॉफ़ी, ट्राई करते हैं इसको। बाकी आप खरीदी भी देते हैं, खाना ओवरऑल बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी यहाँ आएँ और ट्राई करें, ठीक है। फिर ये सब लोग अपना अपना रास्ता जो है झाड़ लिए हैं, निकल रहे हैं सब लोग हम लोग। चलो तो फाइनली हम लोग जो है पूजा पाठ करके आ चुके हैं। ये मत समझिएगा कि हमको इलेक्शन जीत के आए हैं, शादी करके आए हैं, आ चुके हैं सिंहेश्वर स्थान से। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बाकी का कार्यक्रम आपको अगले वीडियो में दिखाते हैं, मतलब इसी वीडियो में दिखाते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए। के बाद जो है ये सजावट हम लोगों ने कर दिया है सभी बच्चों का, इसमें बहुत ज़्यादा जो है योगदान रहा। तो केक काटने वाले लोग जो है आ चुके हैं, कार्यकर्ता सब भी जो है बहुत योगदान दिए हैं यहाँ पर सजाने में, ठीक ठाक सजा दिया गया है। केक भी जो है वो आ गया है। कैमरामैन सब भी जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप लोग इधर आ जाइए नहीं तो फिर। एनिवर्सरी से भले आशीर्वाद आप केक नहीं खा सकते सर। फोर भी 5 टका ला लेबो हम तो रहते अभी। छोटा छोटा टुकड़ा ले लेंगे नहीं ले पाए होता तो फिर की वाला गिर गए तो देखिए फिर की। इसके लिए ब्लॉग बनाया गया है उसे मिलाते हैं आपको, इससे नहीं इससे मिलिए आप। ये है रुद्रराज रावत और ये उनके पिताजी देवराज रावत जो कि नेपाल से हैं, सिक्किम से हैं सॉरी। ये है मेरी दीदी, फिलहाल ये सोए हुए हैं अभी, आप इनके आंखों पे नहीं जाइएगा। तो ये इन सबसे सबको आपको मिलवा ही चुके हैं, चाची को आप जान ही रहे हैं, बच्चे के नाना नानी हुए, नाना नानी हुए, छोटे नाना नानी। नाश्ता वगैरह लगा हुआ है, अब जो है प्रोग्राम को यहाँ पर करते हैं खत्म।